आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ, वन स्लिट इज मेड ट्वाइस एज वाइडर एज द अदर। देन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम और मिनिमम उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। यानी कि जो स्लिट्स होती हैं YDSC में हम जो यूज़ करते हैं स्क्रीन पे पैटर्न लाने के लिए, ठीक है, उनकी अभी जो ये थिकनेस है, या मैं बोलूँ उनकी जो विड्थ है, वो सेम नहीं है। जब विड्थ सेम होती है तो दोनों से क्या जाती है, इंटेंसिटी सेम जाती है। यानी इधर से भी आई निकलती है, इधर से भी आई निकलती है, मान लेता हूँ, ठीक है। तो आई मैक्स जो मैं लिखता था वो ऐसे लिखते थे भाई, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते थे, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। अब आई क्या होता है, अपना एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, तो पहले का एम्पलीट्यूड भी ए होता था, दूसरे का भी ए होता था, तो ये हो जाता था अपना 4a स्क्वायर, ठीक है। आई जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि रूट आई वन किसके हो गया, ए के प्रोपोर्शनल हो गया। और आई मिनिमम जो मैं लिखता था वो कुछ इस तरह से लिखते थे भाई, आई मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। अब दोनों से एम्पलीट्यूड सेम निकल रहा है, क्योंकि वो तो क्या सेम टाइप की थिकनेस होती है, तो सेम रेज पास होती है, और कोहेरेंट सोर्स यूज करते हैं हम, ठीक है। तो वेवलेंथ भी सेम हो गई, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गई, तो आइडेंटिकल जाती है, तो एम्पलीट्यूड भी इंटरफेरेंस में क्या होता है, दोनों रेज का सेम होता है। तो ए माइनस ए लिख देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं और जीरो आता है। तो ये हमें पता है, ये हमारे ऑब्जर्व्ड रिजल्ट थे, जब हमने सेम विड्थ रख के YDSC पढ़ते हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम 4a स्क्वायर आती है, ठीक है, और मिनिमम आती है वो जीरो आती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब थोड़ा केस अलग है, ठीक है। अब जनरल YDSC से थोड़ा अलग से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। जो थिकनेस है वो बढ़ा दी गई है, डबल कर दी गई है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि I1 जो है पहली से जो थिकनेस आ रही है, पहली से जो आ रही है वो तो अभी भी A होगी। मान लेता हूँ कि भाई यहाँ से इंटेंसिटी आ रही थी, ठीक है, और यहाँ से इंटेंसिटी आ रही थी जब ये सेम थी, अभी इसको मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ से तो वही सेम I आएगी, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से कुछ अलग आएगी अभी इंटेंसिटी, ठीक है, क्योंकि इसकी थिकनेस चेंज हो गई है लाइट की, ठीक है। तो I1 जो होगा अभी क्या होगा, I के बराबर होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी कि I1 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा अभी भी ए स्क्वायर के, करेक्ट है बात। तो और I2 जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मान लेता हूँ बी के, तो बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या किया मैंने, देखो पहले केस में तो दोनों से I इंटेंसिटी आ रही थी, अभी भी दूसरे केस में मान लेता हूँ I1 और I2 आ रही है, ठीक है। अब क्योंकि ये तो पहले जितना ही है, ये वाला स्लिट का जो विड्थ है वो तो पहले जितना ही, तो यहाँ से I1 अभी I के बराबर ही है, यानी कि पहले एम्पलीट्यूड अगर ए था तो अभी भी ए ही है, लेकिन यहाँ पे पहले अगर ए था तो अब बी हो गया है, क्योंकि इसकी थिकनेस जो है स्लिट्स की चौड़ा दी गई, तो उससे इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं I1 अपॉन I2 लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो जब एम्पलीट्यूड ए था तो विड्थ W थी, और अभी 2W हो गई है, ठीक है। तो इनको कंपेयर करता हूँ तो जो बी होगा वो क्या आ जाएगा, रूट टू टाइम्स ए आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट टू टाइम्स ए आ जाएगी, करेक्ट। तो जो अपना I1 होगा, ठीक है, वो तो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और I2 जो होगा वो 2a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई मैक्स जो होगा वो कितना निकलेगा, आई मैक्स निकल के आ जाएगा अपने पास में 2a प्लस a का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा रूट 2a माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई मैक्स जो आ गया वो पहले से ज्यादा आया, ठीक है, क्योंकि पहले तो ए और ए ऐड हो रहा था, अब ये रूट टू टाइम्स ए है, तो इसका मतलब ये इंटेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम बढ़ गई, और मिनिमम जो है वो पहले जीरो था, और ये क्वांटिटी जीरो से ज्यादा है, ठीक है। ये कितना है, 0.414 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी बढ़ गई। तो दोनों जो मैक्सिमा और मिनिमा हमारे अपियर होंगे उनकी इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो मैं बोल सकता हूँ इंटेंसिटीज ऑफ बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीज, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।